अगर साइंस 20 का दो दिवसीय सम्मेलन आज मिंटो हॉल G20 का इसका भाई नीचे कर एनएम नीचे करो G20 के अंतर्गत साइंस 20 का दो दिवसीय सम्मेलन आज मिंटो हॉल में प्रारंभ हो रहा है। विज्ञान का समाज और संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इसके सकारात्मक पहलुओं पर, प्रभावों पर परिचर्चा होगी। G20 के देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं। कन्वेंसिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर इसकी थीम है। सर, इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा मार पीटने का मामला सामने आया, क्या कार्रवाई की इस पूरे मामले में? विषय शाम को ही संज्ञान में आ गया था और वैधानिक कार्रवाई भी हुई थी। जो पुलिस ने उनके साथ में किया है उसको संज्ञान में लेते हुए हमने तय किया है कि ADG स्तर का अधिकारी भोपाल से जाकर के वहाँ पर सारे पहलुओं की जांच करेगा और वहाँ जो इंचार्ज TI थानेदार हैं उन्हें तत्काल लाइन अटैच कर दिया जाए। उसके लिए रिनोवेशन की जहाँ तक बात है, पहले उसका टेक्निकल परीक्षण इमारत का होना है कि वो आग से कितनी क्षति बिल्डिंग की हुई है, उसके बाद ही ये तय होगा रिनोवेशन होगा या डिसमेंटल होगा। 66 सीटों को लेकर कमलनाथ को रिपोर्ट, दिग्विजय सिंह ने 66 सीटों की रिपोर्ट सौंपी है कमलनाथ को। दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हमारे BD भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहाँ आप हो आए हो और 66 के बाद गिनती शुरू करे का भाजपा। अब टिकट किसको दिलवाना है? इस बार दिग्विजय सिंह जी ज्यादा गंभीरता से देख रहे होंगे क्योंकि इस बार उनकी नजर कहीं और है। पार जाके आप सबको भी देखना चाहिए कि उनकी नजर है कहाँ। इस बार कर्नाटक के मामले में आप क्या कहेंगे कि वहाँ कांग्रेस ने जो धर्मांतरण कानून था उसको वापस लेने की बात? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। ये सब उनका जो एजेंडा है आप समझ रहे होंगे, वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं देश में। और मैंने शाम को भी कहा था और देश को भी समझना चाहिए, प्रदेश को भी समझना चाहिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ कदम बढ़ा दिए और इसलिए पूरे प्रदेश को सोचना चाहिए। सर, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को चर्बी चढ़ गई थी जिसे वो दूर करना चाहते थे लेकिन सरकार के नहीं, और अधिकारी कर्मचारी उन्हें काम नहीं करने देना चाह रहे थे, कह रहे हैं कि जब कर्ज माफी की बात की तो अधिकारी कर्मचारियों ने मना कर दिया। कमलनाथ जी ऐसा पहली बार नहीं कह रहे, ये हार की हताशा है कमलनाथ जी की, उनको लगने लगा है। अब ये जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ वो गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, ये अधिकारी कर्मचारी सब पढ़े लिखे होते हैं। और कमलनाथ जी, आप
के समय में जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे ना, तब उनने भी कहा था कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो 15 महीने बाद हिसाब लूंगा, कभी कहते हो बीजेपी के लिए काम करने वालों की मैं सूची बना रहा हूं, कभी कहते हो अफसरों पर चर्बी चढ़ गई है। ये निंदनीय कृत्य है, आप चिंता नहीं करो, इनसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके इस धमकी में आने वाला नहीं है। इस विषय को सर बीजेपी सांसद भुवन सिंह का विवादित बयान है, कांग्रेस की तुलना उन्होंने गिरगिट और रावण से की है, कह रहे रावण की पार्टी है कांग्रेस, रावण जैसे महिलाओं का अपहरण कर लेंगे, घर में वैसे ही कर लेंगे, घर में नहीं घुसने देना। अभी सुन नहीं पाया पूरा, मैं अधूरा है। छिंदवाड़ा के नतीजे आ गए और छिंदवाड़ा का नतीजा बता रहा है, कमलनाथ जी ध्यान दें, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और जीत की शुरुआत चुनाव की शुरुआत के साथ ही हो गई है। छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई है जीत की, ये शुभ संदेश है भाजपा के लिए। सर बीजेपी सांसद है गुमान सिंह, उन्होंने सुन नहीं पाया पूरा, वो अभी सुनता हूँ। सर जबलपुर में हिंदू धर्म सेना ने ऐलान किया है कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 11,000 रुपए दिए जाएंगे। ये कौन सी सेना है पहले पता कर लूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।